बिहार सहित पूरे देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से लोग दहशत में हैं और इसी कड़ी में सहरसा स्थित विकास भवन के सभाकक्ष में डीएम कौशल कुमार ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं जिलाधिकारी कौशल कुमार ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। बताते चलें कि जिले में कोरोना के लगभग 88 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। अभी हमारे सहरसा जिला में टोटल सक्रिय मामले करीब 87 हैं, हमारे जिला में 88 हैं, जिसमें कि 80 केसेज नगर परिषद क्षेत्र के अंदर है और जो चार मुख्य हॉटस्पॉट जो अर्बन एरिया में गांधी पथ, डीबी रोड, न्यू कॉलोनी और कायस टोला है, जहाँ पे मैक्सिमम सक्रिय मामले हैं, जहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत कंटेनमेंट जोन बना के प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए हैं और वहाँ पे लोग कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस दौरान केंद्र और बिहार सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी किया गया है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ इसका पालन होता नहीं दिख रहा है। खगड़िया में भी हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, बावजूद इसके कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दफ्तर, अस्पताल और बाजार में लोग बिना किसी सावधानी के नजर आ रहे हैं। बीते दिनों बबराहा गांव में एक सब्जी विक्रेता कोरोना संक्रमित पाई गई, जिसके बाद इसके घर को प्रशासन ने सील जरूर कर दिया, लेकिन किसी तरह की प्रशासनिक मदद नहीं मिल पाने से महिला की हालत बिगड़ती जा रही है। ये कब से पैक किया गया? आज कोई खबर नहीं, सौदा मेरा छूक रहा है। देखिए बिजनेस कर रहे हैं आप, सौदा कर रहे हैं, इसको सलाह कुछ दीजिए। आज सौदा गिरा है एकाएक। कितना सौदा लगभग? 10,000। अच्छा, इस सील करने में आपको कुछ बोलबो किया था प्रशासन? सब प्रशासन कुछ क्या बोले, खाली झंडा दे के चला गया, कुछ बोला नहीं। कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूलों में मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसे में कोरोना के रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। लातेहार के प्लस टू उच्च विद्यालय में जिला और पुलिस प्रशासन की टीम ने जायजा लिया है और इस दौरान परीक्षा के लिए आए छात्र छात्राओं को अधिकारियों ने कोरोना से बचाव के उपाय बताए हैं।